हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम अनुसूचियां पढ़ चुके हैं। उस अनुसूची में हमने एक दूसरी अनुसूची पढ़ी थी जहां पर मैंने बात की थी जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में। आज मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ, जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते वर्तमान में क्या है। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अप्रैल 2018 से अब इनके वेतन और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। संविधान में यहाँ पर अनुसूची दो में संशोधन करके वेतन भत्ते अब चेंज कर दिए गए हैं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि वर्तमान में किसका कितना वेतन है। तो देखो, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। पहली बात, दो तीन जो फैक्ट हमें जानने, अनुसूची दो में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची दो में है। जब अभी आप देखेगा सातवां वेतन आयोग जब लगा तो सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, लेकिन जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते सातवें वेतन आयोग से नहीं बढ़ते हैं। इनके वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, अनुसूची दो में संशोधन करना पड़ता है, और अनुसूची दो में संशोधन करने के बाद संसद ही इनके वेतन को बढ़ा सकती है। सरकार के पास अधिकार नहीं है इनके वेतन को घटाने का और बढ़ाने का। ऐसा कौन कर सकता है? संसद कर सकती है संविधान में संशोधन करके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? ये संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। यहां पर जो मैंने शब्द लिखा है संचित निधि, संचित निधि से इनके वेतन दिया जाता है। अब संचित निधि क्या है इनके बारे में समझ लेते हैं। दो प्रकार की संचित निधि पढ़नी पड़ेगी हमें। केंद्र की संचित निधि अलग होती है, राज्य की संचित निधि अलग होती है। केंद्र निधियां तीन प्रकार की निधि होती है केंद्र के पास, संचित निधि, लोक लेखा निधि और तीसरी होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि में सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, टैक्स से पैसा आ रहा है, सरकार की कोई भी इनकम सोर्स वो अलग है, जिससे सरकार की बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती है वहां से भी सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो सारा संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, तो संचित निधि सरकार की सबसे बड़ी निधि होती है जिसमें सरकार का सारा पैसा इसी में जमा होता है। दूसरी लोक लेखा निधि है, एक तीसरी आकस्मिक निधि है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाकी निधियों को। अभी हम बात करते हैं संचित निधि से। जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। सारे वेतन जो केंद्र के पदाधिकारी होंगे उनको केंद्र की संचित निधि से, और जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के पदाधिकारी हैं, उनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। जैसे आगे हम बात करेंगे, राज्यपाल का वेतन जो है राज्य की संचित निधि से, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे वो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। वहां पर मैं एक फैक्ट के बारे में और बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अब बात करते हैं हमारे जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन, सबसे बड़े पदाधिकारी, सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं और इनका वेतन सबसे ज्यादा होता है। तो वर्तमान वेतन की बात करें जो प्रतिमाह में, और ये वेतन अप्रैल 2018 से बढ़ाया गया, तो ये वेतन हम देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। ये वर्तमान का वेतन है, हमें वर्तमान का वेतन ध्यान में रखना है। मैंने पूर्व में कितना वेतन था वो भी लिख दिया। तो पहले वेतन था 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए पहले वेतन था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए। अब दूसरे जो सर्वोच्च पदाधिकारी हमारे उपराष्ट्रपति, यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का वेतन आपको लिखना है 0। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति का वेतन है 0। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। ऐसा कैसे? उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन नहीं मिलता, उसका पद का, उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, सभापति के तौर पर इनको 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। तो वर्तमान में इनका वेतन 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति के पूछा जाए, देखो अब एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? ऑप्शन में आपको 0 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 4 लाख भी मिलेगा। जब पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, आपको 0 को सही करना है, 4 लाख नहीं लिखना है। यही यहां से एक इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। हम कई बार उपराष्ट्रपति के वेतन को 4 लाख लिख देंगे, 4 लाख नहीं लिखना है, 0 इसका वेतन है। और कैसे ऑप्शन में आ सकता है? आपको ऑप्शन में 0 और 4 लाख दे तो 0 को चूज करना है, उपराष्ट्रपति का वेतन पूछे। दूसरा ऑप्शन में 0 नहीं है, 4 लाख दिया हुआ है, 5 लाख दे रखा है, 3.5 लाख दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तब आपको ऑप्शन चूज करना है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख नहीं है, अभी हमने पढ़ा है, उसका वेतन तो 0 है, तो आपको चूज करना है इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो मैंने आपको दो बातें बताई, अगर ऑप्शन में 4 लाख भी आए, 0 भी आए, तो हमें चूज करना है 0 न कि 4 लाख। ऑप्शन में 4 लाख भी दिया हुआ है, 0 नहीं दिया, लेकिन इनमें यह दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो हमें चूज करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। तीसरा जो प्रकार पूछा जा सकता है जिसमें ऑप्शन में
चार लाख दे रखा है, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, यानी हमारे पास न तो 0 दिया है नहीं इनमें से कोई, सिर्फ इसी कंडीशन में आपको 4 लाख लिखना है उपराष्ट्रपति की सैलरी, बाकी उपराष्ट्रपति की सैलरी 0 लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, पहले भी 0 अभी भी 0, लेकिन सभापति के तौर पर पहले 1.25 लाख यानी 1.25 लाख रुपए, अब ये बढ़कर हो गया 4 लाख रुपए जो दूसरा सर्वाधिक वेतन है। अब देखिए बात करते हैं सभापति के साथ ही हम बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। अब देखो जैसा सभापति राज्यसभा में सभापति होता है वैसा ही काम लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो जब कार्य समान है तो वेतन भी समान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इनका वेतन भी 4 लाख, इनका वेतन भी 4 लाख, पहले वही मिलता था 1.25 लाख रुपए, अब बढ़कर हो गया 4 लाख रुपए। इनके बाद हमारे पदाधिकारी आएंगे राज्यपाल, और राज्यपाल का वेतन कितना है तो वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है, पहले 1,10,000 रुपए था, इसको बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है राज्यपाल का वेतन। यहां से एक फैक्ट और जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बना रखा है तो कौन सा राज्य उसको वेतन देगा और कितना देगा। जैसे कि मान लीजिए एक राज्यपाल है जो राजस्थान के भी राज्यपाल है और कार्यवाह के रूप में वो यूपी के भी राज्यपाल बने हुए, तो उसको वेतन एक राज्य देगा या दोनों राज्यों की तरफ से मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, कौन सा राज्य कितना देगा। तो यहाँ पर संविधान में इसके बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ वेतन के बारे में कि उसको राज्यपाल को दोनों राज्य से मिलेगा, कितना मिलेगा अलग अलग नहीं मिलेगा, वेतन तो उतना ही रहेगा पर कौन राज्य कितना देगा ये राष्ट्रपति तय करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों ही राज्य बराबर देंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे किस राज्य से कितना वेतन उसको दिया जाना। तो राज्यपाल का वेतन यहां पर ध्यान देंगे, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है ना कि केंद्र की संचित निधि से, और वो वर्तमान वेतन है 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वर्तमान में इनका वेतन है 2,80,000 रुपए, इसके पहले राज्यपाल 3.5 लाख रुपए, उसके बाद ध्यान देना 3 लाख रुपए नहीं है, 2,80,000 रुपए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले यह वेतन 1 लाख रुपए था, अब 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया 2,80,000 रुपए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है, केंद्र की संचित निधि से इनको यह वेतन दिया जाता है। ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में भी वर्तमान में 1+33 34 न्यायाधीश टोटल है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भी वर्तमान में, पिछले साल से ही 2019 से इनको संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है, पहले 31 थे अब 31 से 34 हो गए, 3 न्यायाधीश बढ़ा दिए गए, तो 1+33 इस तरह का अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो अन्य न्यायाधीश का हमने यहाँ पर लिखा है 2,50,000, 2.5 लाख रुपए अभी वर्तमान में वेतन है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का, जो कि पहले 90,000 रुपए था, तो 90,000 से बढ़ाकर अप्रैल 2018 से 2.5 लाख रुपए इनका वेतन कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब बात करेंगे हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के पहले बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो देखो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन उतना ही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का होता है, यानी 2.5 लाख रुपए। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी 2.5 लाख रुपए, जो कि पहले 90,000 रुपए था। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, तो अन्य न्यायाधीश का वेतन इससे थोड़ा सा कम, 2,25,000 रुपए, 2.25 लाख रुपए, जो कि पहले 80,000 रुपए था। अब यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका वेतन और उनका पेंशन दोनों अलग अलग बातें, वेतन और पेंशन कौन देता है। तो देखो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनका वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन पेंशन आप, क्योंकि आप देखेंगे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी एक हाई कोर्ट में काम नहीं करेंगे, आज इस हाई कोर्ट में कल दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है, कल तीसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, तो जो पेंशन बनेगी उनकी वो कोई एक राज्य नहीं देता या सभी राज्य मिलकर नहीं देते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन तो राज्य में देते हैं, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है जिस राज्य में वो कार्यरत है, लेकिन पेंशन ध्यान देंगे पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब सवाल कैसे आएंगे, आजकल सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कथन सत्य है या असत्य है पहचान करनी होती है, सवाल इस तरह से आएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के वेतन और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, कैसा कथन है, गलत है। हमें पता है कि वेतन तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है लेकिन पेंशन नहीं, तो ये कथन गलत हो गया। अगर इसका उल्टा पूछे, उल्टा इस तरह से दिया जा सकता है कि इनका वेतन और पेंशन केंद्र की संचित निधि से, फिर भी गलत है, सही होगा वेतन वेतन राज्य की संचित निधि से लेकिन पेंशन वो केंद्र की निधि से, यहां हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए, अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। अब मैंने यहां पर 3 पदाधिकारी और लिखे हैं,
तीनों का ही वेतन 2.5 लाख रुपए है, एक लिखा है मैंने CAG, एक लिखा है मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल KEG का वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रतिमा, जो कि पहले 90,000 था। तो इनका वेतन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बराबर, ये 2.5 लाख रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका भी वेतन 2.5 लाख रुपए है, और संघ लोक सेवा के जो चेयरमैन है, UPSC के जो चेयरमैन है, इनका भी वेतन 2.5 लाख रुपए है। तो जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, हमने इन सभी पदाधिकारियों के बारे में बात कर ली है। यहां पर मैंने प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री का भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री का वेतन तो सांसद के बराबर ही उनका वेतन होता है, प्रधानमंत्री के तौर पर उनको अलग से कुछ भत्ते और दिए जाते हैं। वर्तमान वेतन प्रधानमंत्री का 1,60,000 रुपए अभी दिया जाता है। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं वर्तमान जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान के जो प्रमुख पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते भी जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पिछले साल ही जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने पिछले साल ही विधेयक लाकर सैलरी वेतन बढ़ा दिया है। जो भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष, इनका वेतन बढ़ा दिया। तो नए वेतन क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका वेतन भी वर्तमान में कितना है। जो राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक है, इनके वेतन भत्ता बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? वो बढ़ाने का अधिकार विधानसभा के पास है। राज्य की विधानसभा ऐसा कर सकती है। देखो, जो भी केंद्र के पदाधिकारी है उनके वेतन को, भत्तों को बढ़ाने का अधिकार केंद्र की संसद के पास है, जबकि इनके वेतन भत्तों को बढ़ाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास होता है। तो राजस्थान सरकार ने 2019 में इस विधेयक, राजस्थान मंत्री वेतन द्वितीय संशोधन विधेयक 2019, इसके द्वारा वेतन में वृद्धि कर दी। वो क्या कर दी है? क्योंकि अब सबसे लेटेस्ट की, इसलिए एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो नया वेतन है वो कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री। तो वो पहले वेतन था 55,000, अब बढ़ाकर कर दिया 75,000, 55 से 75,000 कर दिया। मुख्यमंत्री की बात पद आता है उप मुख्यमंत्री का। आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं राजस्थान के अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, आप जरूर कमेंट में लिखना। तो वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है उनका देखिए पहले वेतन सिर्फ 10,500 रुपए था, 10,500 रुपए ही उप मुख्यमंत्री का वेतन का था। अब इनको बढ़ाकर इनका भी वेतन 65,000 रुपए कर दिया गया है। तो उप मुख्यमंत्री का वेतन 65,000 रुपए। इसके बाद आता है तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। देखो यहां आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री का वेतन भी 65,000 रुपए है, जो उप मुख्यमंत्री के बराबर है। तो आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री का कोई अलग से वेतन नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही वेतन होते हैं। यहां पर आप एक बात ध्यान दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट, उप मुख्यमंत्री शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री जैसे पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह बस एक राजनीतिक सुविधा के लिए पद बनाया गया है। संविधान में केवल इन मंत्रियों के बारे में उल्लेख है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। आगे तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे जब भाग 5 और भाग 6 पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर का जो वेतन होता है वो भी इनके बराबर यहाँ रहेगा 65,000 रुपए, जो कि पहले 45,000 रुपए था, 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। राज्य मंत्री की बात करें तो ये पहले 42,000 था, 42 से बढ़ाकर 20,000 बढ़ाकर, देखो यहाँ पर 20,000 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 45 से 65 हो गया, 42 से 62 हो गया, 40 से 60,000 हो गया, 20,000 रुपए की वृद्धि हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। देखो आप विधानसभा अध्यक्ष का वेतन देखेंगे तो पहले 50,000 था और अब 70,000 हो गया, ठीक है। तो देखो सबका वेतन 20,000 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री का वेतन 55,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 हो गया, जहां मंत्री का वेतन पहले, कैबिनेट मंत्री का वेतन पहले 45,000 होता था, 65,000 हो गया। ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष का वेतन पहले 50,000 था, अब बढ़ाकर 70,000 रुपए हो गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर पहले वेतन था 45,000 रुपए और अब हो गया 65,000 रुपए। यहाँ पर आगे लिखा हुआ नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा हमारे राजस्थान में विधानसभा ही है केवल, तो विधानसभा के जो भी विपक्ष के नेता हैं, आप मुझे कमेंट में उप मुख्यमंत्री के साथ ये भी लिखकर बताएंगे राजस्थान के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, वो भी आप मुझे कमेंट के साथ में बता सकते हैं। और चाहे किसी को अगर ज्यादा पता है, कोई कैंडिडेट अगर ज्यादा पता है तो मुझे ये सारे इनके नाम, पदाधिकारियों के नाम भी बताएं, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष, शायद आपके कमेंट पढ़कर दूसरों को भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है ये तो आप सभी को जरूर बताने, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष को वर्तमान में वेतन मिलता है 65,000 रुपए, पहले ये 45,000 रुपए था। यहाँ एक बात और जानने वाली जरूरी है, जो विपक्ष का नेता होता है वो भी एक तरह से संवैधानिक दर्जा पाता है, उसको कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है।
ध्यान दीजिए, विपक्ष के जो नेता होता है, विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी, उसके पास कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। जैसे राजस्थान में टोटल सदस्य 200 हैं विधानसभा में, तो विपक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए इसका 10% यानी 20 सदस्य होने जरूर चाहिए, तभी उसको विपक्ष का नेता का दर्जा मिल सकता है। ऐसा ही लोकसभा में भी लागू है। तो नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही होता है, जो कि भी वर्तमान में 65,000 कर दिया गया। ऐसे मुख्य सचेतक की बात करते हैं, जो भी अपने पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे उनका वेतन यहाँ पर कर दिया गया 65,000 रुपये 45,000 से बढ़ाकर। उप मुख्य सचेतक की बात करें तो 42,000 से बढ़ाकर इनको 62,000 कर दिया गया। और विधायकों के वेतन की बात करें तो पहले 25,000 रुपये था, इनको बढ़ाकर अभी यहाँ पर 40,000 रुपये कर दिया, यानी इनका 15,000 वेतन यहाँ पर बढ़ाया गया। तो ये सारे वेतन थे। हमने पहले केंद्र के पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात करी, इसके बाद जो लेटेस्ट राजस्थान के जो भी पदाधिकारी थे इनका जो वेतन बढ़ाया गया, हमने इसके बारे में बात कर ली। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट चेंजेस हुए। तो मैंने जो आपको सवाल पूछा है उनको आप कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में मुझे लिखें, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।